जाना ही चला। अब अक्षर शाम में दे रही है जानकारी नहीं थी। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नंदराम प्रसाद जी हमारे बीच में बैठे हुए मुखिया के रूप में देवता राज शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब कृपाल यादव जी विधानसभा महासचिव पप्पू यादव जी जिलाध्यक्ष संजीव कुमार जयश्राम यादव जी व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील बनवाल जी ब्लॉक अदैया के ब्लॉक अध्यक्ष वसीम खान जी ब्लॉक पीपी कमैचा के अध्यक्ष माधव राम जी सुषमा पाल जी अनिता पाल जी विधानसभा अध्यक्ष देवताराग महिला साथी गीता सिंह जी राकेश राजन जी हरीश यादव जी सतपाल भैया जी पप्पू सरोज जी जिला सचिव देवताराग नेता भाई राहुल उपाध्याय जी ओम प्रकाश भाई साहब जिला सचिव हमारे विधानसभा साथी उनके देवताराग विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई सीताराम यादव जी जिला अध्यक्ष मजदूर सभा राहुल गौतम जी जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अशोक वर्मा जी विधानसभा प्रभारी हनुमान धर्मराज त्यागी जी कपिल देव जी राधेश्याम सरोज जी सुषमा पाल जी अमरनाथ यादव जी डॉक्टर नीरज मिश्रा पत्रकार जनमोर्चालाल गौतम जी समस्त ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हुए समस्त माताएं बहने समाजवादी पार्टी के साथियों दूर दराज से आए हुए क्षेत्र के संभ्रांत भाई लोगों आज मैं अपनी तरफ से समस्त जिले के पदाधिकारी विधानसभा के पदाधिकारी सेक्टर रूट के पदाधिकारी जिनका भी नाम हम नहीं ले पा रहे हैं सबके बारे में जानते नहीं है सबको हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। साथियों मैं समाजवादी पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष पद से शुरुआत मैंने किया है। मैं शुरुआती दौर में अवध यूनिवर्सिटी शासन का अध्यक्ष रहा। भाई सीताराम यादव जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे सेक्टर प्रभारी बनाया। उसके बाद 2005 में विधानसभा उपाध्यक्ष गाजीपुर बनाया। वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष शिक्षक सभा जनपद सुल्तानपुर का हूँ और मैं बाबा भोले माँ पार्थी माँ सुभावती आदर्श पीजी कॉलेज तिलवा काजी का प्रबंधक हूँ। दूसरा कॉलेज है हमारा माँ सुभावती आदर्श इंटर कॉलेज बसहा। तीसरा माँ सुभावती कॉन्वेंट स्कूल बसहा। चौथा है बाबा भोले डीटीसी कॉलेज भीलमपुर दोस्त। तो साथियों हम सभी लोग 2022 की सरकार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शिक्षक सभा होने के नाते हम लोगों की और अधिक जिम्मेदारी है। कॉलेजों में 18 वर्ष की उम्र से लेकर के उससे अधिक उम्र के बच्चों को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में समाहित करने का काम कर रहे हैं। जो हमारे रिटायर्ड गुर्जर हैं उनको भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथियों अगर हम सभी लोग अच्छे ढंग से बूथ लेवल से लेकर के चाय की दुकानों सब्जी मंडियों चौराहों अन्य जगहों पर जहां जहां भी हम जाएं बातचीत के माध्यम से केवल मुझे एक छोटा सा काम करना है उन्हें
जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार है हमारे संरक्षक के रूप में, परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के किए हुए कार्यों को बताना है। बताना क्या है, सब लोग जानते हैं उन्होंने क्या किया है, केवल उसको रिपीट करना है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आज जो छात्रवृत्ति लोग बीएड बीटीसी में पाते थे उन्हीं की देन है। इंटर कॉलेज की लड़कियों की शिक्षा मुफ्त प्राप्त हुई थी उन्हीं की देन है। अस्पतालों के बारे में आप जानते ही हैं, दवाइयों के बारे में आप जानते हैं, उस समय सब मुफ्त हो गई थी। पेंशन रिटायर होने के बाद हम लोग काफी मजबूर हो जाते हैं, तनख्वाह मिलती नहीं है, पेंशन के सहारे लोग अपना जीवन यापन पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने पेंशन देने का भी काम बंद कर दिया है। आज स्थिति ये है कि जो लोग नौकरी में हैं, उनका 6-6 महीने पर टेस्ट होगा, तब वो आगे जा करके परमानेंट होंगे, और टेस्ट में फेल हो गए तो परमानेंट भी नहीं होंगे। नौजवान त्रस्त है, नौजवानों की स्थिति बड़ी गंभीर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महिलाओं की स्थिति से आप पूर्ण रूप से परिचित हैं। तो साथियों, बहुत सारी स्थितियां हैं, नौजवान परेशान, किसान की स्थिति ये है, हम सभी लोग किसान हैं, रात भर साड़ों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो सभी क्षेत्रों में, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौकरी वाले हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। अब केवल एक विकल्प है सत्ता को बदलने के लिए, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की सरकार तभी बन सकती है जब हम ही सारे लोग मिलकर के समाज को ये बताने का काम करें कि हमारी सरकार ने ये काम किया और सारे लोग खुश थे उस समय। आज की स्थिति ये है कि सभी लोग परेशान हैं। सत्ता को परिवर्तन करने के लिए आचार अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार से मुक्ति पाने के लिए आपके पास केवल एकमात्र विकल्प है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की सोच बनाइए और 2022 की सरकार बनाने के लिए अभी से ही अभियान चला करके, गांव-गांव जा करके, घर घर जा करके, बूथ लेवल पर जा करके, सारे जगहों पर जहां भी आप शिक्षार लोग मिल जाए वहां उसकी चर्चा करके नीतियों को बताने का काम करें। तभी निश्चित रूप से हमारी सरकार 2022 बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तब आप सभी लोग खुशहाल होंगे और जो स्थिति भयावह चल रही है उससे आप मुक्ति पाएंगे। देखिए, परेशान सब लोग हैं, व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान। देखने में लगता है कि व्यापारी सुखी है लेकिन सुखी नहीं है। अभी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी बोल रहे थे, भावनाओं से देखिए कितनी परेशानी है, वहां भी जीएसटी त्रस्त कर दी है। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां के लोग परेशान ना हो, सबके सब परेशान हैं। जिस परेशानी से आपको मुक्त पाने के लिए केवल मात्र एक उपाय, ये अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, हम सभी लोग खुशहाल होंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ सुना आप सभी लोगों को, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी साथी, सभी माताएं बहने, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष को, दूर दराज से आए हुए सभी सम्राट व्यक्तियों को, पत्रकार बंदियों को, मैं अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से पुनः हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग समाजवादी पार्टी की चर्चाओं को करते हुए 2022 में सरकार बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, 4 साल 2 महीने बीत गया, 5 महीना और 50